भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, जल्दी से एक बार शेयर करना, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। और जल्दी से शेयर करो पहले, ठीक है। और इस चीज के बारे में आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ, लेकिन बार बार इन्फॉर्म कर देता हूँ सो डैट कि आप मिस ना करो चीजों को, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस जो कल से है, वो यूट्यूब पे सबसे मेजर क्लास जो कहें तो वो 7 PM पे होगी वाईफाई स्टडी चैनल, ठीक है। मिस मत करिएगा, नया शेड्यूल जो आया उसके हिसाब से स्टैटिक जी के अभी मैं मैराथन करा दे रहा हूँ वहां पे, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं मुझसे, ठीक है, डेली क्लासेस पे। करंट अफेयर भी सुबह 10 बजे होगा, उसका लिंक मैं आपको दे चुका हूँ, मोस्ट प्रोबेबली सभी को मिल चुका है, ठीक है। अगर नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मिल जाएगा, ठीक है। और अनअकैडमी कॉम्पैक्ट आपके लिए अवेलेबल है। नमस्कार भाई, नमस्कार, ऑडिबल हूँ सभी को, आवाज आ रही है ना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से शेयर करो अपना। ये जो अनअकैडमी कॉम्पैक्ट है भाई, इसका हिस्सा बनिए। देखो आपके लिए स्कॉलरशिप है, अब आज क्या है, फ्राइडे है, परसों है, तो आप इस रेफर कोड को यूज करिए लाइव अमन और जुड़िए, ठीक है। इसके साथ टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर लेना, सारे के सारे जितने भी टेस्ट सीरीज है फ्री है, सारे के सारे, है ना। कोर्सेज का बता देता हूँ बेटा, कोर्सेज में याद रखना कि मतलब मैं आपको 5 मई से इतनी उम्दा क्लासेस देने वाला हूँ। बैच 18 अप्रैल को लाइव हो गया, लेकिन ना 5 मई से आपको मतलब बैच क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। सफलता बैच हो गया, ठीक है, बहुत सारे बैचेस हैं जो आपको कब से मिलने वाले हैं, 5 मई से उनकी क्लासेस स्टार्ट है। और आपको फीस भी बहुत कम मिल रही है, ठीक है, इस रेफर कोड पे डिस्काउंट आ रहा है, आप अपने कॉइन्स लगाइए तो अल्टीमेटली आप एक मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं इस रेफर कोड पे, लाइव ओमन रेफर कोड पे, ठीक है। और ये स्टार्टिंग के 5 दिनों में ही ले लेना, अगर लेना भी होगा तो, है ना, सो रेडी कि आपके क्लासेस मिस ना हो कोई। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। बताइए, आपने सुना होगा कैम्फर, अगर हम उसे पानी में डालते हैं ना, बता पहले क्वेश्चन आंसर क्या, अगर कैम्फर को कपूर को पानी के अंदर डाला जाए ना बेटा, तो वो ना डांस करता है उसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर रहता नहीं, छलकता रहेगा, ठीक है। जैसे पानी छलकता है ना कभी कभी कुछ एकदम से डालने पर, ठीक है। अब ये सवाल क्या है, किसके कारण से ऐसा होता है, किस वजह से ऐसा होता है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसका कारण क्या है बेटा, ठीक है, पेज टेंशन, ये पेज टेंशन नहीं है बेटा, सरफेस टेंशन है, ठीक है, सरफेस टेंशन है, ठीक है, सरफेस टेंशन है, ठीक है, पेज टेंशन है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये पेज टेंशन अलग ही लिखा हुआ, सरफेस टेंशन लिखेंगे इसे, ठीक है, ST याद रखना, ठीक है। बताइए, अब जैसे ये नाम है, ठीक है, फेमस टेक्टोना ग्रैंडिस, किसका साइंटिफिक नेम है, नाम से पता चल रहा है टेक्टोना ग्रैंडिस किसका साइंटिफिक नेम है, बेटा शेयर करो जल्दी से, बताइए आंसर क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस किसका, ठीक है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर टीक। टीक जो पेड़ है वो कई चीजों को बनाने में यूज में आता है, ट्रैक जो होता है ट्रेन का, उन सब में, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखो, बताइए एरेटोकार्पस इंटेग्रा किसका साइंटिफिक नेम है, बताइए एरेटोकार्पस इंटेग्रा किसका साइंटिफिक नेम है, चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, जैक फ्रूट इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जाइलम 100 बार ही समझा दिए एक चीज, बड़े याद रखना, आपकी जो साइंस की क्लास है वो मैं रेगुलर बेसिस पे अनअकैडमी पे लगा रहा हूँ शाम को 5 बजे, ठीक है। जाइलम प्लांट में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए, किसके लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, बधे नॉर्मल आरबीसी काउंट इन द अडल्ट मेल, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करेगा, नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना होता है एक अडल्ट मेल में, कितना, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। देखा ये तो आसान है, 4.5 मिलियन ऑप्शन में दे रखा है, 5.0 मिलियन ऑप्शन में दे रखा है, ये दो है एवरेज, ठीक है, तो याद रखिएगा इतना, आप एवरेज याद कर लीजिए एक बार। एक और क्वेश्चन देखिएगा, करंट अफेयर 9 की जगह 10 बजे हो गया बेटा, याद रखना, ठीक है, 10 AM पे, वट आर द, कल भी जैसे मैं करंट अफेयर आपको कराऊंगा, अनअकैडमी क्लास कराऊंगा तो करंट अफेयर कराऊंगा, तो सुबह 10 बजे होगा वो करंट, ठीक है, याद रखना सुबह 10 बजे। वट आर द बेसिक यूनिट फॉर विच द ह्यूमन स्पेयर पार्ट इज क्रिएटेड, इंसान के जो शरीर के जो अंग है वो किससे बनते हैं, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इंसान के शरीर के जो अंग है वो किसके बनते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है,
स्टेम सेल होता है ना, इससे क्लोन तक बन जाता है, स्टेम सेल से क्लोन तक बन जाता है, क्योंकि स्टेम सेल क्या है, शरीर की प्राकृतिक संरचना करने के लिए स्टेम सेल ही होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए बताए, फ्रैक्चर बोन, हड्डी टूटी हुई है तो उसको जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, बेसिक एप्लीकेशन। अगर हड्डी टूटी हुई है तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या प्लास्टर और पेरिस यूज करते हैं, पीओपी लगाते हैं उसका, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखें, एजोला इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एजोला जो है किसकी जो फर्टिलिटी है, ठीक है, बढ़ाता है, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। याद रखिए आंसर है राइस कल्टीवेशन, चावलों की। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूक्लियन फोर, देखो न्यूक्लियन क्या होता है, सिंपल सा है, न्यूक्लियन क्या होता है, इसमें से तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, पॉजिट्रॉन होता है, इसलिए ऑप्शन में दे नहीं रखा, ठीक है, बात ही खत्म होगी। पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पता है पोटैटो किसका एग्जांपल है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, ऑप्शन उससे भी ज्यादा प्यारे थे, ठीक है, नन ऑफ दी अबव भी दे रखा था ऑप्शन में, गजब। ठीक है, इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ट्यूबर, इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन, ठीक, बॉबडी ऑब्वियस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अभी खतरनाक साइंटिफिक नेम के क्वेश्चन आ तो रहे हैं, लेकिन कर लेने चाहिए, ठीक, कर लेने चाहिए, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, बॉबडी ऑब्वियस जो है ये किसका साइंटिफिक नेम है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, साइंटिफिक नेम किसका बेटा, याद रखिएगा, शिप भेड़ का, ठीक है, भेड़ जो होती है ना, भेड़ उसका साइंटिफिक नेम है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण सवालों में से एक। एक और क्वेश्चन देखिएगा, सिल्क प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू, जल्दी से बताइए, सिल्क प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आंसर क्या है, सिल्क, देखो सिल्क लार्व जो होती है ना, लार्वा होता है सिल्क वर्म का, ठीक है, जो रेशम का कीड़ा होता है उसका जो लार्वा होता है उससे बनता है सिल्क, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन में से एक है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये नहीं करना। अ ड्रॉप ऑफ, देखो एक ब्लड की बूंद में, ठीक है, अगर रक्त की एक बूंद की बात करूं तो उसमें कितने सेल होते हैं, बताइए एक रक्त की बूंद में कितने सेल होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, एक रक्त की बूंद में कितने सेल होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल, सेवरल मिलियंस ऑफ सेल, ठीक, सेवरल मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, देखो स्किन के ऊपर जो त्वचा के ऊपर जो पिगमेंटेशन होती हैं वो किसकी वजह से होती है, पिगमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं, कमेंट करिएगा, त्वचा के ऊपर जो पिगमेंट्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक है ये तो, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा, ठीक है, कि भाई पिगमेंटेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, पिगमेंटेशन किसकी वजह से होता है, ठीक है, देखो कलर की बात, मेलानिन आप सभी जानते हैं कि किसी का स्किन डार्क होती है तो वो मेलानिन की वजह से होता है, तो इसमें तो हमें साफ दिखाई दे रहा है मेलानिन वर्ड लिखा हुआ, ठीक, दिमाग को रखिएगा, मेलानिन वर्ड लिखा हुआ, यही से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन नाइट्रोजन, कौन सा विटामिन जिसमें नाइट्रोजन होता है, कमेंट करिए, आसान क्वेश्चन, कौन से विटामिन में नाइट्रोजन होता है, गजब क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है मतलब पेपर में आ जाएगा डायरेक्ट, कि यार विटामिन कौन सा जिसमें नाइट्रोजन है, कमेंट करिएगा, विटामिन कौन सा जिसमें नाइट्रोजन है, आंसर क्या इस क्वेश्चन, विटामिन बी, ये विटामिन बी। एक और क्वेश्चन देखिए, शेयर करना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल फॉर डाइजेशन फूड इन द स्टमक, देखो हमारे पेट में जो पाचन प्रक्रिया है वो किसके थ्रू होती है, क्या एंजाइम होते हैं उसके लिए, बताए क्या एंजाइम होते हैं उसके लिए, पाचन प्रक्रिया के लिए एंजाइम होते हैं क्या, बताइए, चलो ये आसान है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ट्रिप्सिन हो गया और बहुत अलग अलग तरीके के एंजाइम, ठीक है, अमाइलेस हो गया वो अलग है, लेकिन अमाइलेस भी यूज होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, कौन सा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलो आंसर क्या बेटा, याद रखना, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा, मरकरी है इसमें से, ठीक है, अब बच्चे कहेंगे सर वाटर बताते हो, आप कहते हो स्पेसिफिक, बेटा स्पेसिफिक हीट और हीट में फर्क हुआ ना,
ठीक है, मरकरी बेस्ड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जरा सा भी हमें बुखार होता है वो मेजर कर लेता है, ऊपर की तरफ एक्सपेंड करता है थर्मामीटर में, ठीक है। बताइए आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड, देखो यार एक तो डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है, दूसरा डीएनए कहां पे पाया जाता है बताइए, एक तो न्यूक्लियस के अंदर दूसरा कहां पे, कमेंट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, ठीक है। एक तो डीएनए न्यूक्लियस में होता है, दूसरा कहां का बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो ना ये सेमी ऑटोनोमस है, सेमी ऑटोनोमस है ये माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि सी इसका आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी मेटल की है, कौन से मेटल, कौन सा अल्कली मेटल है जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है ना हाइड्रेशन एंथैल्पी है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए, अच्छे क्वेश्चन में से एक पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है आ सकते हैं। चलो आंसर क्या, लिथियम इसका आंसर है, ठीक है याद रखिए लिथियम इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, रिजर्व द फॉलोइंग इज नॉट, ये नहीं करना, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा इसमें से नोबल गैस प्रयोग में आया जाता है, ठीक है, हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन से नोबल गैस को यूज कर सकते हैं, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है याद रखना। जो भी बच्चा क्लास ले रहा है 7 बजे कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 7 PM, ठीक है, क्लोथा टाइम 7 PM, रेडून इसका आंसर है, ठीक है रेडून इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन आंसर ये नहीं करना, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ऑर्बिट डिसाइड करता है, देखो क्वांटम नंबर क्या होता है, के एल एम एन ये सब चीजें, ठीक है, जिससे एस पी और ये सब चीजें बनती हैं, तो ये डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑर्बिट की होती है उससे पता चलता है, ठीक है बेसिक सा क्वेश्चन है, छोड़ेंगे लेकिन क्योंकि ना ये बहुत मुश्किल, मतलब ऐसे क्वेश्चन ना 11th 12th वालों के लिए होते हैं। बताइए इस क्वेश्चन आंसर, बताइए व्हाट वेसल कैरी द वेनस ब्लड टू द लंग्स ऑफ फॉर द ऑक्सीडेशन, जल्दी से देख कौन सा ब्लड, कौन सा वेसल जो है ये कैरी करता है, ठीक है वेनस ब्लड को, ठीक है टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीडेशन, जल्दी से बताएंगे, ठीक है आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, आंसर इस क्वेश्चन का फेफड़ों की धमनियां, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है चलिए फेफड़ों की धमनियां। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का वेयर इज द फॉर्मेशन रेड ब्लड पार्टिकल्स, देखो रेड ब्लड सेल जो है बनते बोन मैरो में और खत्म किस में होते हैं, स्प्लीन में होते हैं, ठीक है बनते बोन मैरो में, खत्म किस में होते हैं, स्प्लीन में होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है ये नहीं करना, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन विच एक्ट एज अ प्रोटीन हॉर्मोन, ठीक है कौन सा प्रोटीन है जो किसकी तरह एक्ट करता है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है जल्दी से बताइएगा, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन विच एक्ट एज अ हॉर्मोन आंसर क्या है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसे प्रोटीन है जो कि हॉर्मोन की तरह एक्ट करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलो आंसर है इस क्वेश्चन का याद रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑक्साइटोसिन इसका आंसर, ठीक है ऑक्साइटोसिन इसका आंसर है, ठीक है चलो एक और क्वेश्चन उठा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटामॉर्फिक स्टेम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मेटामॉर्फिक होता है कोई चीज बदल के बनना, ठीक है मेटामॉर्फिक क्या होता है, कोई चीज बदल के बनना, वो मेटामॉर्फिक कौन सा हो सकता है बताइए, ठीक है मेटामॉर्फिक स्टेम कौन सी हो सकती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, पोटैटो जो होता है वो क्या है, ठीक है मेटामॉर्फिक, ठीक है मेटामॉर्फिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, मेटामॉर्फिक फोर स्टेज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है मैटर भी लिख सकता है इधर, मैटर सब्सटेंस दोनों सेम होंगे, ठीक है फोर स्टेज ऑफ मैटर कौन सा बताइए, एयर, ठीक है लिक्विड गैस, उसके बाद प्लाज्मा और फिफ्थ नंबर पे बोस आइंस्टाइन, ठीक है तो आसान क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं, ठीक है बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है बस आसान है तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान होने से पेपर में आते हैं भाई, आसान हो या मुश्किल, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच ऑर्गन इज द अल्टरनेट टर्म ऑफ बोन, ठीक है जो गर्भ होता है उसका वैकल्पिक शब्द कौन सा अंग है, जल्दी से बताइए आंसर क्या है, चलिए बच्चे अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है आंसर आ सकता है क्या गर्भाशय, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलो जी आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, गर्भाशय होता है यूट्रस, ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा,
सोल्व करो क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में सोल्व करो, ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखा है ठीक है, क्योंकि हमारे अब मेजर सेशन 7 बजे ही होगा ठीक है। तो बस ये फाइनल मैं आज 10 बजे करा रहा हूँ, उसके बाद से मैं सब कुछ 7 बजे ही कराने वाला हूँ जो भी सेशन होगा। अनानास कोमोसस जो है ये किसका साइंटिफिक नेम है, कमेंट करिए बताइए किसका साइंटिफिक नेम है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो जी ये किसका साइंटिफिक नेम है, नाम से ही पता चल रहा है, अनानास ऑप्शन में दे रखा है और पाइनएप्पल लिखा हुआ है यार, तो इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, नाम से पता चल रहा है। बताइए देखो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करता हूं तो उसके मॉलिक्यूल्स में क्या फर्क पड़ता है, बताइए स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। चलो आंसर क्या है बेटा याद रखना, स्पीड देखो अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है उसके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और मैं इसे हीट कर दूं तो यार ये तो टकराएंगे ना एक दूसरे से, टकराएंगे एक दूसरे से, स्पीड तो इंक्रीज होगी, स्पीड तो इंक्रीज होनी चाहिए है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एक और क्वेश्चन देखिए, हाँ जी ब्लड टू द किडनी, कौन सा ब्लड वेसल है, कौन सी नली है जो कि ब्लड को किडनी तक लेके जाती है, बताइए आसान क्वेश्चन ठीक है, बताइए कौन सी इसमें से नली है जो ब्लड को ठीक। चलिए आंसर क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी फैक्ट है, हमें पढ़ने चाहिए ठीक है, पढ़ने पड़ते हैं, फैक्ट है, पूछे जाते हैं ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये क्वेश्चन नहीं करना, हाँ जी निम्नलिखित में से कौन सा जो है सब सरफेस जर्मिनेशन में मिलता है ठीक है, प्रोड्यूस होता है सब सरफेस जर्मिनेशन में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करें सब सरफेस जर्मिनेशन में इसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है, सोल्व करो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, सब सरफेस जर्मिनेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा आंसर है कॉर्न ठीक है, मक्का ठीक है, सब सरफेस जर्मिनेशन में ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती कॉर्न की और ऊपर ही उगता है ना। एक और क्वेश्चन देखिए ठीक है, जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना होता है, कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, जल्दी से देखो, जब हम एयर को ठीक है जब एक्सहेल करते हैं साथ जब हम बाहर छोड़ते हैं तो कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये कितने प्रतिशत जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का याद रखिए 4% है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, काम का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, फ्रीजिंग ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ प्रोसेस हुज फंक्शन इज व्हाट, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, देखो अगर कोई सब्सटेंस है जिसको हम फ्रीज करके रखते हैं, मतलब कुछ भी रख लो खाना ही इवन हम फ्रिज में रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो क्या करता है ठीक है, बैक्टीरिया को इनएक्टिव करता है। अगर मैं फ्रिज में खाना रख रहा हूँ, कुछ भी फूड प्रोडक्ट रख रहा हूँ जो खराब हो सकता है, तो फ्रिज में रखने का मतलब क्या है कि उसके जो बैक्टीरिया है वो इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया अगर एक्टिव रहेंगे तो तब चीज खराब होती है ठीक है, दिमाग में रखिएगा, बैक्टीरिया को इनएक्टिव करने के लिए फ्रिज में रखी जाती चीज। जो क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है उसमें कुछ है नहीं है, बोस जो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट है वो इंसान की किस चीज के बारे में पता लगाता है, जल्दी से बताएगा ठीक है, अस्थियां जो होती है उसका अगर परीक्षण किया जाए तो क्या पता चल जाएगा, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है इससे क्या पता चलेगा, याद रखना टेंटिव डेट कि भाई व्यक्ति कितनी एज थी ठीक है, टेंटिव डेट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है पूछे जाते हैं ठीक। हाँ जी, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी और इसका पहला प्रूफ किसने दिया था, जल्दी से बताएगा, जो ऊष्मा है वो एक ऊर्जा का प्रकार है और इसका पहला प्रूफ किसके द्वारा दिया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए ठीक, इसका पहला प्रूफ किसके द्वारा दिया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है, रमफोर्ड के द्वारा दिया गया था कि भाई ऊष्मा जो है ऊर्जा का प्रकार है, ये रमफोर्ड के द्वारा दिया गया था ठीक, इसका एविडेंस ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए ठीक है, बताइए अगर मैं बात करूं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी तो आंसर क्या है बेटा, मैंने सभी क्लासेस एक ही में मर्ज इसके लिए करी है कि मैं आपको पीडीएफ भी दे सकूं, उसमें एक पर्टिकुलर कंटेंट भी पढ़ा सकूं, टारगेट भी कर सकूं, तो 7 बजे इसलिए क्लास रखी है
कल से 7 बजे क्लास होगी और 7 बजे पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। सिंपल सा पढ़ना है, एक क्लास रखेंगे और पूरा पीडीएफ देंगे, स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ेंगे और सारा कवरेज उसी में कर लेंगे। स्क्रीन इसका आंसर एक और क्वेश्चन देखो, बताइए देखो रेस्पिरेशन प्रोसेस में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई, ऑक्सीजन ही है जिससे हम सांस लेते हैं, सिंपल सा पढ़ना, तो ऑक्सीजन इसका आंसर है, ठीक है, ऑक्सीजन इसका आंसर है, बहुत बेसिक क्वेश्चन हुआ है तो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसके द्वारा दी गई, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसके द्वारा दी गई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसके द्वारा, बहुत बेसिक क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसके द्वारा दी गई, ठीक है। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, याद रखिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसके द्वारा दिया गया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। एक और क्वेश्चन देखिए, ऑडोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ये किससे संबंधित, कमेंट करिएगा ऑडोंटोलॉजी जो है किससे संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है, दांत, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, स्टीरॉइड हार्मोन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, स्टीरॉइड हार्मोन जो है किससे बनते हैं, है ना, स्टीरॉइड हार्मोन किससे बनते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ठीक है, स्टीरॉइड हार्मोन किससे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ठीक है, जो हम एक्सटर्नली लेते हैं और अलाउड नहीं है, ठीक है, अलाउड नहीं है, एक्सटर्नली लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन, वाटर बैलेंस के लिए हमारे शरीर का कौन सा अंग जो है जिम्मेदार होता है, मतलब किसकी वजह से, शरीर के कौन से अंग की वजह से ना वाटर बैलेंस होता है, कमेंट करेगा बेटा। मैंने ये एक शॉर्ट सा सेशन रखा है बस इस चीज को याद दिलाने, बताने के लिए कि हाँ भाई 10 बजे भी सेशन को बंद कर रहे हैं, सीधा 7 बजे करेंगे सर, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, 7 बजे जुड़िएगा, कल से जुड़ेंगे जो भी बच्चा, किडनी का आंसर और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट उठाऊंगा मैं 7 बजे। एक और क्वेश्चन देखिए, देखो फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, ठीक है, फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए, ये फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर पिस्टल इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ जी, स्टडी रिलेटेड टू ट्री एंड शर्ब्स, ठीक है, बताइए ट्री और शर्ब से रिलेटेड जो स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, एर्बोरिकल्चर इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन अभी, ठीक है, व्हिच आइसोटोप आर यूज्ड इन रेडियोएक्टिव एज नोटेशन टू डिटरमाइन द एज ऑफ रॉक, ठीक है, पहाड़ों की एज जानने के लिए, रॉक चट्टानों की एज जानने के लिए हम इसमें से कौन सा आइसोटोप यूज कर सकते हैं, मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में से एक पूछा जा सकता है वैसे, ठीक है। चलो आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, ठीक है, पहाड़ों की चट्टानों की एज को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक, यूरेनियम यूज किया जाता है, ठीक, क्योंकि ना एज ऑफ अर्थ डिटरमाइन करने के लिए हम यही यूज करते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, सोल्व करो, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से सोल्व कर लो, उसके बाद सुबह मिलते हैं 10 बजे, सुबह 10 बजे अनअकैडमी में क्लास होगी, पहले मतलब कल हम ज्यादातर क्लासेस अनअकैडमी में लेंगे, बस एक क्लास होगी यूट्यूब पे, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच अमंग द गिवन ग्रीन हाउस गैस हैज ग्रेटेस्ट हीट टेम्परेटिंग एबिलिटी, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, देखो सीएफसी सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस खतरनाक वाली गैस है, सीएफसी गैस ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसको, ठीक है, दोषी माना जाता है कि हाँ भाई ग्रीन हाउस अफेक्ट करती है, लेकिन सीएफसी की इतनी सी मात्रा भी बहुत खतरनाक होती है, सबसे ज्यादा हीट ट्रैपिंग होती है, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक, क्लोरोफाइट कौन से शैवाल होते हैं, कमेंट करिए, क्लोरोफाइट जो है वो कौन से शैवाल होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ग्रीन इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए ना, H5N वायरस विच कॉज बर्ड फ्लू, देखो जो, ठीक है,
बर्ड फ्लू करने वाला H5N वायरस है वो कौन से वर्ष में डिस्कवर किया गया था, कमेंट करिएगा कौन से वर्ष में पता लगाए गए थे कि हाँ भाई ये भी वायरस है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन से वर्ष में। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अब मुश्किल है थोड़ा सा बस, लेकिन आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर इसका 1997 में, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या, आंसर क्या क्वेश्चन का, इंसेक्ट्स। अल्जाइमर डिसीज में क्या होता है, देखो चाइना ने पहला चाइना देश बना जिसने अल्जाइमर का ड्रग जो है बनाया है, ठीक है, आप बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, अल्जाइमर डिसीज किससे संबंधित, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है, ब्रेन डिसऑर्डर है, चीजें याद नहीं रहती है अल्जाइमर में, ठीक है, ब्रेन डिसऑर्डर है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, विच हैव वॉल्व्स हर्ट, ठीक है, बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, वॉल्व्स हर्ट कौन सा है, क्या हमारे अंदर होता है, ठीक है, डेफिनेटली फिशेस के अंदर, अच्छा वॉल्व्स लेस लिखा हुआ हमारे अंदर तो होता ही है, वॉल्व्स लेस लिखा हुआ दोस्त, ठीक है, तो भाई मछलियों में नहीं होता है, ठीक है, मैं तभी सोचू यार हमारे अंदर तो होता है, ठीक है, बॉल्बलेस, हमारे अंदर चार बॉल्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये मुझे लग रहा है गुस्सा हो गया, इसमें से कौन सा एसिड था जिसमें ज्यादातर सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड था, कहने का मतलब एच प्लस आयन सबसे ज्यादा है, तो HCl में अगर मैं एक मतलब सॉल्यूशन देखूं इन चारों का एसिड का, तो उसमें सबसे ज्यादा एसिडिक जो है HCl, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, विंग्स और बर्ड जो है, विंग्स और बर्ड जो है किसका एग्जांपल है, बताइए किस तरीके के ऑर्गन का एग्जाम्पल, कमेंट करें, ठीक है बेटा, थोड़ी देर में कर ही रहे हैं, बस हो गए क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ओवर है, ठीक है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेरे को आज कराना था, ठीक है। अब फिर हम ना कल सुबह 10 बजे पहले अनअकैडमी पे करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद अपना रात को 7 बजे वाईफाई स्टडी पे क्लास है, यूट्यूब क्लासेस जो है 7 बजे होंगी सर, ठीक है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, अगर व्यक्ति फार साइटेडनेस से सफर कर रहा है, ठीक है, तो मतलब दूर का देख सकता है तो पास की चीजें नहीं देख पाएगा, ठीक है, तो नियर बाय आइटम्स आर नॉट विजिबल, फार साइटेडनेस से तो दूर का देख पा रहा है तो पास की चीजें डेफिनेटली नहीं देख पाएगा, ठीक है, पास की चीजें डेफिनेटली नहीं देख पाएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, Which one of the following creation is the maximum number of ribs? सबसे ज्यादा ribs किसके हैं? ठीक है, बताइए सबसे ज्यादा ribs किसमें होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, याद रखिएगा आंसर स्नेक, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर, जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए ये फाइनल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद हम सेशन को एंड करेंगे और हम एग्जैक्टली कल से यूट्यूब क्लास सिर्फ एक समय पे लेंगे, वो है 7 बजे, ठीक, क्लियर बता दिए, क्योंकि सभी बच्चे कहते हैं कि सर एक क्लास बताओ जिसमें हम आ सकें, तो यार हमने सारी क्लासेस हटा के 7 बजे क्लास रख दी, यार 7 बजे सारे आ जाओ, 7 बजे सब पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका आंसर है अल्जाइमर डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, जो अभी अल्जाइमर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये फाइनल क्वेश्चन दे बेटा, याद रखिएगा अभी हम सुबह अनअकैडमी पे 10 बजे पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोफाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब चीजें पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी 7 बजे की क्लास में, ठीक है बेटा, याद रखिएगा वाईफाई स्टडी पे 7 बजे क्लास होगी, एट वाईफाई स्टडी, अपन लोग जो है कल से 7 बजे रात को मिलने वाले हैं चैनल पे, ठीक है, इसी चैनल पे 7 बजे तक, जो उसका मेरा नया शेड्यूल है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, और आपकी सारी क्लासेस कल से हम स्ट्रक्चर तरीके से करेंगे, ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, अनअकैडमी क्लासेस भी सारी प्रॉपर तरीके से होंगी, पीडीएफ 7 बजे सभी की मिल जाएगी A to Z, ठीक है, अशोरिटी ऐसी,
ठीक है जी, जितने बच्चे दिख रहे। चलिए अभी सेशन को एंड करते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इन सबको मैं कवर कराऊंगा लेकिन 7 बजे कवर कराऊंगा, ठीक है याद रखिए। ठीक है, और अनअकैडमी के नए कोर्सेज लाइव हो चुके हैं। ठीक है, कोर्सेज क्या है देखो, हमने 28 अप्रैल को एक कोर्स लाइव किया था, अब 5 मार्च को भी एसएससी की पूरी टीम एक कोर्स लेके आ रही है एसएससी गोल में। ठीक है, मैं आपको एसएससी गोल एडवाइस कर रहा हूं क्योंकि इस समय एसएससी गोल में सबसे उम्दा फैकल्टीज जो है आपको पढ़ा रही है और पूरे फुल नए बैचेस लाइव हो रहे हैं। एसएससी गोल गेट्स में क्लिक करें, मन सेलेक्ट करें, रेफर कोड यूज करें, लाइव होंगे। ठीक है, ये तरीका रहेगा और इससे आप जुड़ भी सकते हैं और बेनिफिट उठा भी सकते हैं, मतलब आपको कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है इसी। ठीक है, तो सारे जुड़िए। ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड यूज करके मिलते हैं आप सभी से अन अकेडमी पे कल सुबह 10 बजे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बेटा आज 11 बजे क्लास नहीं है, कल से सुबह अन अकेडमी पे 10 बजे से। ठीक है, कल से सुबह।